देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, आजादी के अमृत काल की पटकथा लिखेगा कार्यक्रम। स्कूली पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करने को दूसरे मंत्रालयों से भी लिए जा रहे सुझाव, दिल्ली में नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त। दिल्ली में वसंत पंचमी तक तैयार हो जाएगा प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क, अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बनाई गाइडलाइन। स्टार 9 मोबिलिटी को मिला पावर हंस का कमान, दिल्ली में 211 करोड़ रुपए से खरीदी सरकार की 51% हिस्सेदारी। भीलवाड़ा से ढांचा हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा सबूत के बिना किसी जगह को नमाज पढ़ने का स्थल नहीं कहा जा सकता। कोवैक्स को 2-17 आयु वर्ग के टीकाकरण में शामिल करने की सिफारिश, दिल्ली के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की मुहर के बाद सरकार लेगी निर्णय। तेल के ऊंचे दामों में जल्द मिल सकती है राहत, रूस से भारतीय रिफाइनर्स की डील पर हो रही बातचीत। कोयले की कोई कमी नहीं, देश में बिजली संकट के बीच पंजाब के डिप्टी चीफ इंजीनियर का दावा। पटियाला के श्री काली देवी मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी। रिकॉर्ड गर्मी के सामने बिजली संयंत्रों की फूली सांस, कई राज्यों में बिजली कटौती, राजनीतिक तापमान भी चढ़ा। बिजली संकट दूर करने को रेलवे ने संभाला मोर्चा, किल्लत वाले क्षेत्रों में जल्द कोयला पहुंचाने के लिए रद्द की गई यात्री ट्रेनें। भीषण गर्मी ने छुड़ाया पसीना, यूपी में पारा 45 के पार, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्प पर स्टार्टअप शुरू करने वाले, दिल्ली की सरकार करेगी मदद। तेलंगाना में यदाद्री भोंगीर जिले में दर्दनाक हादसा, पुरानी इमारत की छत ढही, 4 लोगों की मौत पर राज्यपाल ने जताया। यूपी में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर, 58,000 की आवाज की गई कम। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी से 5 लाख रुपए लूटे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में बिना लाउडस्पीकर अदा की गई जुमे की नमाज, मस्जिदों में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, इतिहास में पहली बार हुई बिना लाउडस्पीकर के नमाज। बदायूं में 2 पक्षों में विवाद का मामला, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। गाजीपुर में नवनिर्वाचित एमएलसी विशाल सिंह चंचल पहुंचे, गाजीपुर ब्लॉक प्रमुख संघ ने किया स्वागत अभिनंदन।
कानपुर में धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे लाउडस्पीकर, उस्मानपुर गाह में लगे लाउडस्पीकर को भी उतारा गया। जिला प्रशासन की मौजूदगी में हो रही कार्रवाई। रायबरेली में गर्मी में बढ़े आग की घटनाएं, थर्मल पावर स्टेशन में की गई मॉक ड्रिल। रायबरेली में महिला ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप, महिला को पति ने दिया 3 बार 3 तलाक। रायबरेली में टायर फटने से ट्रक पलटा, 10 फीट नीचे खाई में गिरी ट्रक, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की हालत गंभीर। संभल में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव, परिजनों में पसरा मातम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में डीएम ने प्राथमिक विद्यालय का किया उद्घाटन, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। डीएम ने कहा बच्चों के लिए शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण, वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की व्यवस्था को परख। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और बस्ती पुलिस ने बस्ती में अपहृत व्यापारी बेटे को छुड़ाया, दोनों लोग हुए गिरफ्तार। प्रयागराज से दिल्ली और अयोध्या जाने वालों के लिए अच्छी खबर, गंगा पुल पर आवागमन शुरू हो गया है, अब नहीं लगेगा जाम। पीएनबी बैंक में पहले भी टूट चुके हैं लॉकर, जांच करने पहुंचे एडीसीपी ने मांगे 5 साल के रिकॉर्ड। लाउडस्पीकर बैन के निर्णय पर राजा भैया के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सराहा, बोले फिर पीठ थपथपाने की जरूरत। घटनाएं गवाह बांग्लादेशी समझते हैं, सहारनपुर को सुरक्षित ठिकाना, खुफिया विभाग को नहीं लगती भनक। मेरठ में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कोरोना संक्रमित महिला मरीज से फोन पर लिया हालचाल। अब दिल्ली से आया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान। बच्चे मजदूरी नहीं, स्कूलों में पढ़ाई करेंगे, श्रम विभाग ने लखनऊ नगर निगम के 10 वार्ड को कराया बाल श्रम मुक्त। गाजियाबाद में जीडीए बोर्ड की बैठक, नए मास्टर प्लान पर लग सकती है मुहर, सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी। गाजियाबाद में गरीबों के मकान लेने का सपना होगा पूरा, जीडीए ने इंद्रप्रस्थ आवास योजना की लॉन्च। ग्रेटर नोएडा में पंचशील ग्रीन्स के सोसाइटी में बेसमेंट में लगी आग, सभी तारों में बिजली हुई गुल। बाइक पर स्टंट करने का वीडियो ट्वीट किया तो ट्रैफिक पुलिस ने भेजो 26,000 का चालान। लखनऊ में 800 कॉलेज की परीक्षाएं शुरू, आदेश के बाद भी नहीं हुआ कोरोना गाइडलाइन का पालन। लखनऊ में मिलेनियम स्कूल के 2 छात्रों समेत 21 कोरोना पॉजिटिव मिले, स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश।
यूपी में बेपटरी हुई बिजली आपूर्ति व्यवस्था से ज्यूल लड़खड़ाया, गांव में 10 घंटे भी नहीं हो रही सप्लाई। बांदा की युवती के साथ छतरपुर में दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर चलती ट्रेन से फेंका, स्थिति काफी गंभीर। लखनऊ में उपनिरीक्षक लिपिक संवर्ग भर्ती में 4,287 और अभ्यर्थियों को मिला मौका, अब अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा 21 मई को होगी। यूपी में इनकम टैक्स पेपर भी ले रहे पीएम, किसान सम्मान निधि 3 लाख से अधिक अपात्रों से होगी वसूली। समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले धर्मगुरुओं से करे चर्चा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखा पत्र। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, केदारनाथ की चोटियों पर हुआ हिमपात, निचले स्थानों पर हुई बारिश। साल का पहला सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, सूतक पूजन तर्पण में कोई बाधा नहीं। उत्तराखंड में अप्रैल में पिछले साल के सापेक्ष 30% अधिक धद के जंगल। ऋषिकेश में खतरनाक घाटों पर चट्टानों के जरिए पुलिस ने शुरू की जिंदगी बचाने की मुहिम, संदेश के जरिए पर्यटकों को किया जा रहा जागरूक। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन पाखरू में टाइगर सफारी पर सीईसी सख्त, मांगा गया ब्यौरा। उत्तराखंड में जंगलों में एकाएक बढ़ी मजारे और समाधियां, वन विभाग हुआ सतर्क। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में घेरने में जुटी कांग्रेस। उत्तराखंड में करण माहरा कुमाऊं मंडल में करेंगे अगला दौरा, चंपावत उपचुनाव की रणनीति को देंगे अंतिम रूप। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने किया नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, दीपक बाली को दी राज्य में आपकी कमान। उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव को भाजपा का 6 नामों का पैनल, कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा का कार्यकाल पूरा होने से रिक्त हो रही सीट। देहरादून में बांस और घास से बनी वस्तुएं बढ़ा रही विरासत की शोभा, हर एक को कर रही है आकर्षित। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर देहरादून की प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य कला को किया नाम रोशन। एम्स ऋषिकेश के बाहर हथियार लहराता हुआ नजर आया था युवक, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। देहरादून में एक महिला ने खुद को बताया मुख्यमंत्री का करीबी, नौकरी के नाम पर ठगे 2,36,000 रुपए। देहरादून में चेन लूट की 5 घटनाओं के 24 घंटे बाद भी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से दूर, नाकाबंदी के बावजूद नहीं चढ़े हत्थे। यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट में मिली 900 लोगों की सामूहिक कब्र, रूस पर 5 लाख यूक्रेनी लोगों को जबरदस्ती ले जाने का आरोप।
धमाके से दहला अफगानिस्तान। जुमे की नमाज के बाद काबुल की एक मस्जिद में विस्फोट, 50 से ज्यादा की मौत, 78 लोग हुए घायल। एलन मस्क ट्विटर में नौकरियों पर चलाएंगे कैची, बैंकरों के साथ मीटिंग में कर्मचारियों की दक्षता को लेकर की चर्चा। अंतरिम सरकार में महिंद्रा को प्रधानमंत्री नहीं बनाने पर राजी हुए गोटाबाय, नई सरकार नामित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। काली कमाई में फंसी इमरान खान की पत्नी की दोस्त फरा खान, एनएबी में महानिदेशक के दिए जांच के आदेश। डोनबास में यूक्रेन ने खोई बड़ा जमीन, लेकिन रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा, रूस ने कहा जेलेंस्की की आड़ लेकर लड़ रहा है अमेरिका। सऊदी अरब में पीएम शहबाज शरीफ की हुई किरकिरी, लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे। अफगानिस्तान में स्कूल जाने वाली लड़कियों पर ड्रेस कोड का लगाया कड़ा प्रतिबंध। शंघाई में आम नागरिकों को मिली घर से बाहर निकलने की अनुमति, सरकार ने कहा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया गया कदम। यूएई के होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर की ऐतिहासिक खोज, रहस्यमय ध्रुवीय ज्योति को कैद करने में मिली सफलता। दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सेनावृत्ति के दिन से ही मिलेगी पेंशन, संगठन ने लुधियाना में पायलट प्रोजेक्ट विश्वास की शुरुआत। दिल्ली में पीएम किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन योजना में हुआ बदलाव, आरबीआई ने जारी किए नए नियम, बैंकों को अपने ऑडिटर से लेना होगा सर्टिफिकेट। में बीमा पॉलिसियों के जरिए बचाए इनकम टैक्स, साथ ही परिवार को कर सकते हैं आर्थिक रूप से सुरक्षित। टीसीएस इंफोसिस में नौकरियों की भरमार, 90,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी, WFH भी रहेगा जारी। जनधन खाते और आधार कार्ड को जल्द से जल्द कराए लिंक, मिलेगा 1 लाख 3 लाख फायदा। बद्रीनाथ केदारनाथ समेत करें यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन, रहना खाना रहेगा फ्री, चेक करें डिटेल्स। SBI कार्ड को चौथी तिमाही में हुआ बम्पर फायदा, मुनाफा 3 गुना बढ़कर 581 करोड़। विदेशी मुद्रा भंडार में आ रही गिरावट, गोल्ड रिजर्व भी फिसला, आरबीआई ने जारी किया आंकड़ा, FCA में भी आई गिरावट। डिलीवरी सर्विस को स्विगी बनाएगी और मजबूत, ड्रोन्स के इस्तेमाल का फैसला, बेंगलुरु और दिल्ली में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कारोबारियों से कहा बैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए बनाए टीम। रोहित शर्मा को गौतम गंभीर ने बताया बुरा सपना, कहा शुक्र है अब मैं कप्तान नहीं। लखनऊ की जीत से फिर हुआ अंक तालिका में बदलाव, नीचे खिसकी हैदराबाद की टीम।
महेंद्र सिंह धोनी की वजह से बदली थी रोहित शर्मा की तकदीर, उनके सपनों को मैदान पर कई बार किया चकनाचूर। महिला टी20 चैलेंज 2022 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई ने जारी किया कोटेशन। श्रीलंका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की घोषणा, मैथ्यू वेट की वापसी, कॉमर्स को नहीं मिली टी20 टीम में जगह। ब्रायन लारा बोले राशिद खान की इकोनॉमी अच्छी लेकिन विकेट निकालने की क्षमता वॉशिंगटन सुदर्शन की बेहतर। दिल्ली में इंडियन प्रीमियर लीग के 42वें मैच में केएल राहुल ने मारी बाजी, मयंक के पंजाब को मिली 20 रन से हार। चेतेश्वर पुजारा ने सिक्सेस के लिए लगातार तीसरे मैच में जड़ा शतक, इंग्लैंड में दिखा रहे हैं दम। खराब फॉर्म्स के चल रहे रोहित शर्मा और ईशान किशन को मिला बैटिंग कोच रॉबिन का साथ, कहा आगे के मैचों में अच्छा करेंगे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउथी ने कहा खिलाड़ियों की टीम से बाहर करना है, बदलाव करना आदर्श नहीं है। रनवे 34 पर भारी पड़ी टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 फिल्म में पहले दिन कमाए करीब 8 करोड़। दीपिका पादुकोण ने शेयर की वेनिस ट्रिप की तस्वीर, रणवीर सिंह ने किया कॉमेंट। कौशल ने संतुष्टि और मस्ती के साथ पूरा किया शेड्यूल, पोस्ट देखने के बाद पंजाबी सिंगर ने किया रिएक्ट। मुनव्वर फारूकी और शिवम शर्मा के बाद लॉकअप को मिला तीसरा फाइनलिस्ट प्रिंस नरुल्ला, फिर निराश हुई पायल रोहतगी। कैंसर सर्जरी के बाद छवि मित्तल ने शेयर किया वीडियो, लोगों ने कहा खूबसूरत और मजबूत महिला हुआ। राम सेतु के नए पोस्ट में लोगों ने पकड़ी ऐसी गलती कि अब जमकर ट्रोल हो रहे हैं अक्षय कुमार। अजय देवगन की रनवे 34 ने की धीमी शुरुआत, पहले दिन किया 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन। कंगना रनौत की फिल्म धाकर का ट्रेलर आउट, एक्ट्रेस का दिखा दमदार एक्शन। अनीस बजमी बनाएंगे नो एंट्री फिल्म का सीक्वल, जल्द शुरू होगी शूटिंग। शाबाश मिट्टू की रिलीज डेट आई सामने, 15 जुलाई को सिनेमा घरों में देगी दस्तक। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।